जूते पहनकर पंचायत सचिव ने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए अगरबत्ती लगाई। नायब तहसीलदार के साथ अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मना रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में बमोरी जनपद की ग्राम पंचायत जौहरी में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन हुआ। इसमें बमोरी नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी, पंचायत सचिव, ग्रामीण जन मौजूद थे। इस दौरान पंचायत सचिव उमेश धाकड़ जूते पहनकर संत रविदास को श्रद्धांजलि देते और अगरबत्ती लगाते हुए नजर आए। पंचायत सचिव को इतना होश तक नहीं रहा कि किसी महापुरुष के ऊपर माल्यार्पण करने से पहले जूते उतार लेना चाहिए, जूते पहनकर अगरबत्ती लगाना कहां तक सही है। इस संबंध में जब नायब तहसीलदार भारतेंदु यादव से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती पर अगरबत्ती लगाई थी, उसका गुल फर्श पर गिर रहा था, उसे उठाने के लिए सचिव जूते पहन कर चले गए थे। जबकि फोटो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत सचिव उमेश धाकड़ के द्वारा जूते पहनकर अगरबत्ती कलश के नीचे लगाई जा रही है। इतने बड़े संत की जयंती पर अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तो सचिव की इस हरकत का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को सीख हमेशा बड़ों को देखकर ही मिलती है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही करता है या नहीं।